हरे कृष्णा। इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विजयादशमी, विजयादशमी इसलिए मनाई जाती है कि राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त की थी। कुछ का मानना है बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण विजयादशमी मनाई जाती है, लेकिन आजकल समाज में रावण को बड़ा अच्छा व्यक्ति माना जा रहा है कि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर स्पर्श नहीं किया। लेकिन रावण बहुत ही कामी और दुष्ट राक्षस था। बहुत सारी अप्सराओं के साथ जबरदस्ती करता था और उनका हरण कर लेता था। एक बार उसने अपने पुत्र वधु के साथ भी जबरदस्ती की। कुबेर, जो कि रावण का भाई था, कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा के साथ जबरदस्ती की। इसीलिए नल कुबेर ने रावण को श्राप दी थी कि यदि तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर स्पर्श किया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए उसके बाद रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर स्पर्श नहीं करता था। एक दिन रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा के कहने पर सीता माता का क्षद्म वेश बनाकर हरण कर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं, साधु की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, हम काहू के मार ही न मरे, यानी मेरी मृत्यु किसी के हाथों न हो। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु तो तय है। तब रावण ने कहा, हम काहू के मार ही न मरे, वानर मनुज जाति दोई बारे, यानी वानर और मनुष्य के अलावा कोई मुझे न मार सके। इसलिए भगवान सामान्य मनुष्य के रूप में सीता मैया के लिए विलाप करते हुए ढूंढने लगे और अंत में उन्होंने जटायु और हनुमान जी और वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त की। इसी कारण श्री राम की रावण पर विजय के लिए आज के दिन विजयादशमी मनाई जाती है। हरे कृष्णा। यदि आपको कुछ पूछना हो या इस वीडियो से संबंधित कुछ कमेंट करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।